दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो भाई मैं 3 दिन से मैंने वीडियो नहीं अपलोड की क्योंकि मैं गया हुआ था अपने गांव और वहां पर सर्विस बिल्कुल आती है नहीं। तो भाई आज हमने लिया एक नई गाय। माशाल्लाह से जो भी देखता है कहता है कि बहुत प्यारी गाय है, बहुत अच्छी है। तो पहले मैंने कहा वहां पर जाने से पहले अपनी चूजों वगैरह को दाने डाल देते हैं, खरगोशों को भी। हमारे कबूतर एक है, हमारे कबूतर हम जोड़ी लाए थे लेकिन उसकी फीमेल मर गई थी, वो हमने आपको दिखाई थी। तो अभी आपको दिखाते हैं, कबूतर एक ही बचा हुआ यही है। और जोड़ी भी मंगवाई है लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं है मेरे घर। तो जब आ जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा वो ला रहे हैं लड़के। पहले अपनी तीतरों को जो है ना बाजरा डाल देते हैं, पहले भी इनका पड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। पहले भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है। अभी अपनी मुर्गियों और चूजों और खरगोशों को भी डाल देते हैं दाने। अंदर आई हुई है, उसके ऊपर अंडे पड़े हुए हैं। पहले ये गर्मी की वजह से उठ गई थी, अब ये फिर उधर ही जा रही है। उधर उसके कोने में अंडे पड़े हुए हैं। तो भाई अभी हम दाने डाल देते हैं इनको। पहले भी इधर डले पड़े हैं इनके, थोड़े और डाल देते हैं। तुम लोग भी चलो इधर, चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, चलो चलो चलो। नहीं जाते बोलो। कोशिश तो किया कि दूसरी मुर्गी वाले चूजे जो घूम रहे हैं वो भी इधर आके खा लें लेकिन वो आ ही नहीं रहे, डर रहे हैं यहाँ पर आने से। तो अभी फिलहाल इनको घूमने देते हैं, फिर बाद में जब भूख लगेगी खुद भी आ जाएंगे। हमारे रैबिट्स आजकल बहुत खेलते हैं हमारे साथ। एक कल मैं बैठा हुआ था, मेरे पास आ गए, एक बिल्कुल डर नहीं रहा था। और बहुत सारे हैं जो डर जाते हैं, एक ये बिल्कुल नहीं डर रहा था, ब्राउन कलर का था। तो भाई अभी चलते हैं अपनी नई गाय देखने के लिए। उम्मीद है आपको भी वो अच्छी लगेगी, हमारे सबको तो बहुत अच्छी लगी है। तीता को ज्यादा ही डर रहा था तो उसको अभी नहीं छेड़ते, उसके साथ नहीं खेलते वरना वो जख्म कर लेते हैं कूद कूद के अपने सर पे। सारी गायें जो पुरानी वाली थी वो यहीं पर खड़ी हुई हैं। ये वाली गाय है ना, ये हमने सबसे पहले ली थी। तो उसके बाद वो आई बैठी थी, वो अभी बिकी पड़ी है। फिर ये अब ये इसकी बच्ची है, ये तो अभी बिल्ली है, 2 2 महीने हुए हैं। वो वाली गाय तो हमने कुर्बानी के लिए ली हुई है, ये वाली ये कुर्बानी के लिए। ये हमारी गाय ने अभी अभी एक बच्ची दी है, मतलब ये आज सुबह ही दी है बच्ची, देख सकते हैं आप। माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। अभी चलते हैं अपनी नई गाय के पास, आपको भी दिखाएंगे। हमारे तो जिसने भी देखी है वो कहते हैं कि भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी गाय है। नई वाली गाय को जो है ना हमने सबसे अलहदा बांधा हुआ है, उसके लिए पंखा भी एक चलाया हुआ है। उनको बाहर नहीं खड़ा कर रहे क्योंकि हमारे जो काम करने वाले हैं वो कहते हैं कि इसको नज़र लग सकती है। पंखा भी लगाया हुआ है। और भाई ये बैठी है हमारी गाय, माशाल्लाह। इसको जरा खड़ा करते हैं,
खड़ी हो। भाई ये तो खड़ी नहीं हो पा रही, मेरी ख्याल से गिरी पड़ी है ये। इसको मैं बहुत कोशिश कर ली अभी खड़ी हो जाए, लेकिन ये खड़ी नहीं हो रही। यार पीछे से लात मारता हूँ लेकिन भाई खड़ी नहीं हो रही है। हो गई, खड़ी हो गई। ये है भाई हमारी गाय। ये आज सुबह ही हम इसको लाए, सुबह 6 बजे हम इसको लेने गए थे। हमारा सौदा कल लग गया था इसके साथ, हमें दिखा दी गई थी तो हमने ये वाली पसंद की थी, तो आज सुबह ही इसको लाए 6 बजे। इसका पंखा थोड़ा अंदर खड़ा कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था बाहर पंखा खड़ा हुआ था और अंदर उसको हवा नहीं लग रही थी। अब मैंने उसको पंखा अंदर खड़ा कर दिया। ये देख सकते हैं आप अंदर खड़ा क्यों है, गाय भी हमारी खड़ी है। पंखा मैंने यहाँ पर लगा दिया बिल्कुल दरवाजे ना। हमारी गायों वगैरह का, हमारी बकरियों का यहाँ पर घास कटता है और ये भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। सुबह ही वो लोग काट के रह देते हैं ताकि बाद में हमें मुश्किल ना हो। यहाँ पर गोबर वगैरह भी इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, आज शाम को ले जाएंगे ये लोग, गोई बनाते हैं। न देखें कितनी प्यारी हवा लगवा रही है खुद को। थोड़ा पंखा तब्दील करते हैं। एक कौन सा इसी के साथ अपना आज अपना ब्लॉग करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ठोक देना। अल्लाह हाफिज़।